यस डियर ऑल, वेरी नाइस। ध्रुव, ध्रुव की आवाज नहीं आ रही है ना, ध्रुव की फोटो आ हाँ रही जी है। सर, अब बेटे टेस्ट आ गया, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया चेक करके हाँ बताइए। जी आप सर, अपना कैमरा ऑन करिए वंशिका। वंशिका बच्चों, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वंशिका, नाइस नाइस बेटे, बहुत बढ़िया। ध्रुव का नहीं दिख रहा अभी भी फेस। ध्रुव शर्मा, रोल नंबर 17, क्लास 12A। आप सुन पा रहे हैं कि नहीं ध्रुव शर्मा जी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा दिखने लगा अभी, पूरा नहीं। डियर चिल्ड्रन, 15 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 20 मिनट्स हैं। बी क्विक ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन 15 है, मिनट आपको 20 दिए हैं, ये कह रहा हूं। हैं तो बाकी टाइम हमने काम नहीं करना, यही काम थोड़ी करी जाना है। पढ़ेंगे भी बेटे, काम बहुत करने वाला पड़ा है हमारा, अभी बहुत चीजें रिवाइज करनी है हमने। आपको जो है आपका पोलराइजेशन वेक्टर वगैरह, पोलराइजेशन चार्जेस वगैरह थोड़े दोबारा डिस्कस करने हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बेटे अपना ग्रुप चेक करिए और टेस्ट स्टार्ट करिए। ये बाद में मैं बेटे की बोलूंगा, जो बच्चे ऑनलाइन है चेक कर लेंगे साथ साथ, और साथ ही उसी टाइम पे आपने अपना स्कोर भेज देना है कि कितने आपके मार्क्स आए हैं, अलोंग विद योर आंसर शीट। अपना शीट भी भेजना है आपने, उसकी फोटो भी भेजनी है, स्कोर भी भेजने लिख के कितने आए हैं आपके। आफ्टर 15 मिनट्स आई विल बी डिस्कसिंग द की। आप अपने पेपर के ऊपर ही टिक कर लीजिएगा, पेपर आपके पास ही रहेगा, आपके काम आएगा बाद में इन द एंड। बेटे मैंने की लिख देनी है, आपने चेक कर लेना, 2 मिनट का काम है, 1 मिनट में हो जाएगा। राइट डन। अच्छा आई थॉट सो कि हुआ, शायद हो गया आपका। हाँ जी कोई बात नहीं, नहीं 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 देखो आप करके देखो, कुछ होगा इसमें। हो रहे हैं बच्चों?
क्या कहते हो? नाइस। एक कल आपको 20 क्वेश्चंस का सेट भेजा भी था और वो दूसरे ग्रुप में। कौन ऐड है आपके यहाँ पे बैठे? देखा था, किया था। वेरी नाइस, करते रहिए। ही विल बी शेयर्ड इन द इवनिंग टुडे। ठीक है मित्र। और वो जो आपको एक सॉफ्ट कॉपी भेजी हुई है बड़े ज्यादा क्वेश्चंस की, उसका क्या किया? उनको कभी कभी देख लेते हो कि नहीं? आपके ग्रुप में फाइल डाली हुई है, एक बहुत हैवी फाइल है, काफी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें, काफी लंबा चौड़ा स्टडी मटेरियल है उसमें। देखते रहा करो उनको साथ साथ बच्चों। कंप्लीटेड। अच्छा, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। बहुत बढ़िया। उत्तर हो रहे हैं बच्चों, हो गए सारे? वेरी नाइस। बस 2-4 मिनट रुक जाइए, मैं की शेयर करता हूँ, बोलता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड मानविया, कीप इट अप बेटा, गुड। कर रहे हैं बच्चे। फ्यू मिनट्स के बाद मैं की लिखता हूँ बेटा, फिर आप देख लेना, चेक कर लेना और अपना अपना स्कोर नोट करके मुझे नोट करवा दीजिएगा, ऑल ऑफ यू बेटे। मिलके नहीं करना पुत्र, मिलके नहीं करना, अपना अपना काम करना है प्लीज। अच्छा
बेटे हो रहे हैं। ध्रुव, सिया, मानविया एंड मान्या। बच्चों आपका कितना रह गया, कितना हो गया? यस बेटे, ऑल ऑफ यू, ध्रुव, सिया, वंशिका, मानविया एंड मान्या। बेटे कितने क्वेश्चंस हो गए, कितने रह गए पुत्र? ओके बेटे, ओके, करिए करिए, कर लीजिए। बाकी बच्चे मैं फ्यू मिनट्स के बाद बेटा फिर डिस्कस करता हूँ। ध्रुव आपकी आवाज नहीं आ रही है। ध्रुव शर्मा, सिया, बेटे हाँ जी सर, कितने हो गए, कितने रह गए? एंड हाँ जी रह गए सर, सिया, सर लास्ट 4 रह गए। वेरी नाइस। मानविया, वंशिका, ओके। लगाइए 5 मिनट्स और लगा लीजिए ऑल ऑफ यू बेटा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ऑल ऑफ यू बेटा, गुड, वेरी नाइस। कर लीजिए कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ जी बेटे, 14th की ए ऑप्शन के ऊपर नहीं है, नहीं है, वो कट किया हुआ है, वेक्टर नहीं है बेटे। 14th की ए ऑप्शन के ऊपर वेक्टर नहीं है, कट किया हुआ है वो, पहले डल गया था फिर उसको डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 ए ऑप्शन पे वेक्टर नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सो डियर चिल्ड्रन, 1 मिनट के बाद मैं की लिख रहा हूं, जिनका अभी कंप्लीट नहीं है 1 मिनट में कर लीजिए, कोई ज्यादा लेंथी काम नहीं था। राइट बेटे, टेक 1 मोर मिनट, देन आई विल बी राइटिंग द की। आप साथ साथ चेक करके और आपके जो मार्क्स ऑब्टेंड हैं वो बता देंगे बेटा। हाँ जी, हो गया जी, वेरी नाइस। चलिए जी मैं लिख देता हूं फिर, और सो प्लीज जो आपका नहीं हुआ हो घर पे जाके एक बार ट्राई जरूर करिएगा। हाँ जी, कौन से वाला? 6th वाला? कोई बात नहीं, हो जाएगा। सो इज योर की बेटा। हाँ जी पुत्र, मैं 1 मिनट करता हूं बेटे सारा ही, इस पे ना आप अपना
बेटे इसमें ना क्लास और नाम लिख के आगे स्कोर लिखने, ऊपर क्लास लिख दीजिए 12th, सब्जेक्ट फिजिक्स, डेट आज की डाल दीजिएगा, मैं सारे डिस्कस कर लेता हूँ ब्रीफली, डोंट वरी बेटा। हाँ जी बेटे, अब आप अपना नाम लिख के साथ साथ स्कोर लिख दीजिएगा। कौन सिक्स वाला कह रहे हो बेटा? सिक्स वाले में आपको दिया गया, आप कर लो पहले, कर लो कर लो कर लो, नो प्रॉब्लम। हाँ जी बेटे, 15 का। हाँ जी पुत्र, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटे, गुड। बाकी तीन भी जाने नहीं चाहिए थे, कोई बात नहीं, सिक्स मैं करवा देता हूँ बेटा, नो प्रॉब्लम, मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं बेटे, सिक्स वाला करवा दूँ फिर मैं आपको। हाँ जी पुत्र, थर्ड भी देख लीजिए पहले। थर्ड में है, व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज अर्थ कनेक्टेड, देन बेटे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द अर्थ टू द कंडक्टर। इसका पहला ही आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, जब आप इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे बेटा, आपका जो बॉडी है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस चार्ज को कॉम्पेंसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा नेट बेटा। जब भी आप अर्थिंग करते हो बेसिकली यही आपका प्रिंसिपल अडॉप्ट होता है पुत्र। प्रॉब्लम नंबर सिक्स देखिएगा बेटे, डियर चिल्ड्रन, प्रॉब्लम नंबर सिक्स देखिएगा। आपको एक सिस्टम दिया गया है चार्जेस का बेटा, ट्रेंगल की फॉर्म में, और ट्रेंगल आपका 1 मीटर 1 मीटर साइड का है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। 3 point charges, 1 coulomb, 2 coulomb and 3 coulomb are placed at the corners of equilateral triangle. यहाँ पे ये बच्चा ये कब आ रहा है काम खत्म होने पे, 1 coulomb, 2 coulomb और 3 coulomb charges पड़े हैं बच्चों। उत्तर ध्यान देना, आपके सिस्टम का उन्होंने कहा है वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दीज चार्जेस टू द कॉर्नर ऑफ द स्मॉलर ट्रेंगल निकालना है। डियर स्टूडेंट्स बेटा, पुत्र जी सुनिएगा, पहले आप अपनी 1 मीटर की साइड की ट्रेंगल के वर्टिसेस पे चार्ज जब आपने प्लेस किए हैं, आप टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल लीजिए सिस्टम की, फिर उनको चार्जेस को मिडल में 0.5 मीटर की ट्रेंगल के वर्टिसेस पे शिफ्ट करके वो निकाल लो, उनका पुत्र डिफरेंस लो, दैट विल बी द वर्क डन। आइए मैं आपको थोड़ा और बता दूं, अगर आप यहाँ पे वर्क डन की बात करो, इसमें एनर्जी की बात करोगे, इनिशियली इट इज 1/4 pi epsilon naught, अगर मैं इसको Q1, Q2, Q3 कह दूं पुत्र, इट विल बी Q1, Q2 upon L plus Q2, Q3 upon L plus Q3, Q1 upon L, ये आ गया जी, राइट पुत्र। अब आप इसको यहां ले आए, इसको यहां ले आए, इसको पुत्र यहां ले आए, और ये चार्जेस आपके 1/2 मीटर साइड वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस पे पड़े हैं, और बच्चों फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपके सिस्टम की 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R- लिख दूं अब मैं, और देन Q2 Q3। हाँ जी पितर, बहुत बढ़िया, फिर अभी कैलकुलेट करके भी चेक करिए,
इनका फर्क लेना है आपको, कैलकुलेट माइनस करना है, करके देखो ऐसे नहीं पुत्र, आप आंसर मैच करके देखो, यू आर गेटिंग इट और नॉट ऑल ऑफ यू पुत्र, इसका और इसका फर्क माइनस कर दीजिए, अभी फैक्टर्स कॉमन आ जाएंगे आपके, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ डिस्टेंस बचेगा, बाकी सारे कॉमन आ जाएंगे बेटा, करके देख लीजिएगा, हार्डली इट विल टेक ए मिनट। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है ही है, बाकियों को रहने दो अंदर ही, वो फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी, एक को दो से, दो को तीन से मल्टीप्लाई करना है बेटे, करके देखो ऐसे नहीं पुत्र, मुझे बताइए आंसर क्या आपका आ रहा है, कि क्या आपका आंसर मैच करता है जो हमने मार किया है कि नहीं किया, राइट ये वाला साइड आर डैश 0.5 मीटर, आर डैश 0.5 मीटर है, एल आपका बच्चों 1 मीटर है, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन मेक कैलकुलेशन एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग, whether we are getting the same answer as marked or not. हाँ जी पुत्र जी, getting something or not? Nice, करते जाइए फटाफट कर लीजिए, ध्रुव शर्मा, सिया, मानविया, मान्या, वंशिका और गुंजोत लेट आया है, गुंजोत उसका माइक भी कहीं नहीं दिख रहा है, हाँ जी डियर चिल्ड्रन 9×10^9 डायरेक्टली पुट, हाँ जी तो बेटे ये वो सॉल्व करोगे कुछ आएगा कुछ है? ऐसे तो नहीं है, आ रहा है कौन सा जो किया है वही आ रहा है, हमारा कौन सा था बी है, हमारा बी 6 का बी लिखा हुआ है हमने, सो थम्स अप फॉर यू बेटा, गुड वर्क ऑन योर पार्ट, वेरी नाइस, दोनों एनर्जीज को वर्कआउट करके माइनस कर लीजिएगा, क्वाइट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बहुत बार पूछा गया है पेपर्स में, कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया है, हाँ जी एक मिनट रुक जाइए जरा, इस तरफ स्टूडेंट्स का हो गया बच्चों, थम्स अप फॉर यू, गुड वेरी नाइस, और कौन सा नहीं हुआ था आपका, बाकी सारे ठीक हैं बेटा, बाकी सारे हो गए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जिसमें कोई दिक्कत आई है, आपके पास एक पेज होगा उस पे स्कोर लिख दीजिएगा बेटे, सो दैट प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द टेस्ट कैन बी मेंटेन, डियर चिल्ड्रन एक पेज आपको दिया था, चेक करिएगा कहाँ पे है, सो बच्चों इसके बाद मैं बात करता हूं आपका पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, थोड़ी बात हमने करनी थी, हमारी रहती थी, शुड आई स्टार्ट, हाँ जी पुत्र जी चलिए देन स्टार्ट करते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हमने थोड़ा बच्चों बात करना था, डिस्कशन करना था, लेट अस कंटिन्यू विद दिस बेटा, पोलर और रादर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स बेटा, बेटे सबसे पहली बात तो यह है कि डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स होते क्या हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं, किनको कहते हैं हम, डाई इलेक्ट्रिक्स बेसिकली वो स्पेसिमेंस हैं, वो सब्सटेंसेस हैं विच आर अदरवाइज बेटे इंसुलेटर्स, बट दे ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइड बाई सम आउटसाइड एजेंसी, रिपीट करूंगा डियर चिल्ड्रन,
आपके डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली इंसुलेटर्स ही होते हैं, लेकिन जब आप इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स बेटा। और डाइलेक्ट्रिक्स बेटे आपके दो तरह के होते हैं, वी हैव पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बेटा एंड वी हैव नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बेटे। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जैसे नाम से ही थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाता है, आपका जैसे पानी का मॉलिक्यूल है HCl है और ये इनमें आपके बेटे दो क्लियर कट अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स होते हैं। मॉलिक्यूल का अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट होता है। आई जस्ट मीन टू से दैट इस केस में आपके इस एटम का मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक मोमेंट नॉन जीरो होगा, इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट रादर। अगर आप पोलर स्पेसिमन की बात करोगे, पोलर स्पेसिमन्स कुछ ऐसे होंगे बेटा, इनमें आपके डाइइलेक्ट्रिक्स जो हैं रेंडमली ओरिएंटेड पड़े रहते हैं। और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के केस में पुत्र ये जो आपके पास रेंडमली पड़े हैं इनका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट है वो रेंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से जीरो हो जाता है, रेंडमली ओरिएंटेड है। लेकिन जब आप बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो रैंडमली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं ये बेटे अपने आप को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे और पुत्र जी आपका सिस्टम जो बन गया है अब ये पॉजिटिव ही नेगेटिव ऐसे ये अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे। इस केस में नेट इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। अदरवाइज में अगर नॉन पोलर की बेटे बात करूं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है आपका, इसमें सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस बेटा कंसाइड कर जाते हैं एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट है वो ऑलरेडी जीरो ही होता है। अब आप क्या करते हो बेटा, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन स्लैब से भी पहले आप अगर इस मॉलिक्यूल पे फोकस करो, मैं इसको अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूंगा बेटा, ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर्स को सेपरेट कर देगा। जब तक आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हुए हैं तब तक आपका अब इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट जो है इट विल बिकम बेटे नॉन जीरो। सो बेटे अगर आप पोलर के बाद नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करोगे तो ये स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपके बेटा ये जो चार्जेस हैं एक तो अपने सेंटर्स को सेपरेट कर रहे हैं और दूसरा इनकी अलाइनमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो रही है। ध्यान दीजिएगा आपके जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं बेटा इनको बेटर समझा जाता है, अच्छा समझा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग द कैपेसिटर्स बिकॉज इसमें हम ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाते हैं। ज्यादा एनर्जी कैसे स्टोर कर पाएंगे, जितनी भी आप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर रहे हो वो दो तरीके से इस केस में यूज हो रही है, एक तो सेंटर्स को सेपरेट करने में और दूसरा मॉलिक्यूल्स को आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन करने में। अगर आप यहां पे देखो तो ये ऑलरेडी सेंटर्स सेपरेटेड ही हैं, आपको सिर्फ अलाइनमेंट में एनर्जी यूज हो रही है। सो बेटे इसीलिए आपके जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं इनको हमेशा नॉन पोलर से कंपेरेटिवली अच्छे नहीं समझा जाता, या आपके जो नॉन पोलर है इनको अच्छे समझा जाता है फॉर द हाँ जी एक मिनट बेटा फॉर द केस ऑफ यूर बेटे नॉन पोलर एक मिनट और लूंगा मैं। एक बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिपीटेडली पूछा जाता है, आप प्रूव कर दीजिए पोलराइजेशन वेक्टर जो है इट इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द पोलराइजेशन चार्जेस। थोड़ा सा देखिएगा, दो मिनट लूंगा आपके मैं। पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर
इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द पोलराइजेशन चार्जेस, ये आपको प्रूव करना है बेटा। आपके पास ये एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल का बना हुआ स्लैब है, आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद इसके सरफेस पे चार्जेस डिवेलप हो जाएंगे और ये सारे जो चार्जेस हैं ये बेटे क्यू पोलराइजेशन आपको दे देते हैं, पोलराइजेशन चार्जेस कहलाते हैं ये। सेपरेशन इनमें डी के बराबर का है। पोलराइजेशन वेक्टर बेटे होता है आपका, इट इज अमाउंट ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल जो आपने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी है नेट डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ दिस मटीरियल और द स्पेसिमन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, क्यू पोलराइजेशन इंटू डी के बराबर डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरे का पूरा आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्पेसिमन कितना पोलराइज हो गया है पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। तो ये आपकी पोलराइजेशन की पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू। और थैंक यू बेटा, सिग्मा पोलराइजेशन आपका क्यू पोलराइजेशन अपॉन ए होता है और क्यू पोलराइजेशन विल बी सिग्मा पोलराइजेशन इंटू ए कर दोगे आप, यहां पुट कर दीजिए पोलराइजेशन वेक्टर, इट इज सिग्मा पोलराइजेशन इंटू ए इंटू डी अपॉन बी, ये आपका वॉल्यूम के बराबर ही है। पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द पोलराइजेशन चार्जेस बेटा, आप ऐसे साबित कर सकते हो। सो विद दिस बेटे डियर चिल्ड्रन थैंक यू ऑल, कल सेकेंड चैप्टर कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की। थैंक यू ऑल बेटा।